जो लोग नौकरी के बदले में संपत्ति का जिन लोगों ने सृजन किया है, जॉब फॉर लैंड का मामला जो वो चल रहा है ना, पीएससी दे रहे हैं, ईडी और सीबीआई के सामने हाजिरी दर हाजिरी, ये वो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने 17 महीनों में रोजगार दिया। अरे मतलब क्या, आप देखिए ना, आपको के सामने मैं दिखा रहा, आप कहेंगे कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। संबोधित में वो कह रहे हैं कि हमने जितना 17 महीना में किए हैं, 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किए। वो ये भी बात कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है वो बिजली मुफ्त देंगे और साथ साथ कई चीज़ की बात वो कर रहे हैं। रोजगार असल में दिया कौन है? देखिए असल में तो रोजगार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने 17 महीने का रोजगार उनको दिया था। और ये इतना भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गए कि नीतीश कुमार जी तो हमारे नेता ये सब चीज़ बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं, तो उनको उस रोजगार से हाथ धोना पड़ गया। जो लोग भ्रष्टाचार के आकंठ तक में डूबे हुए हैं, जो लोग नौकरी के बदले में संपत्ति का जिन लोगों ने सृजन किया है, जॉब फॉर लैंड का मामला जो वो चल रहा है ना, पीएससी दे रहे हैं, ईडी और सीबीआई के सामने हाजिरी दर हाजिरी, ये वो लोग दावा कर रहे हैं कि हमने 17 महीनों में रोजगार दिया है। दूसरी बात, रोजगार की जब बात करते हैं तो शिक्षक नियुक्ति की बात वो जरूर करते हैं। उन्हीं के पार्टी के ना चंद्रशेखर जी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग थे बिहार सरकार में, आपको याद है ना कि 1 साल से ज़्यादा हो गया था वो विभाग में उन्होंने कदम तक नहीं रखा था। अब जिसका मंत्री, सोच लीजिए, जिसके पार्टी का नेता जिसको इन्होंने मनोनय किया, 1 वर्ष से ज़्यादा समय से वो विभाग में कदम तक नहीं रखा, तो वो क्या जानता होगा फाइलों का मूवमेंट। अब बिना फाइलों के मूवमेंट के रोजगार का जो वैकेंसी होती वो तो आई नहीं हुई होगी, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा झूठ है। दूसरी चीज़, अगर रोजगार की बात करते हैं तो ये भी एक इतना बड़ा झूठ है कि हमारा गठबंधन इनसे कब हुआ था, अगस्त 2022 में, और 6/4/2021 को ही सीएम सेक्रेटेरिएट से एक लेटर निर्गत हुआ है। इस लेटर को आप देख सकते हैं, मैं आपको हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगी। ये लेटर 6/4/2021 को निर्गत होता है, जिसमें ये कहा गया है कि सुशासन के कार्यक्रम के तहत बिहार में सात निश्चय पार्ट टू हमारा एनडीए गठबंधन में था जब हम 2020 में लड़े थे, के तहत पहला निश्चय जो नीतीश कुमार जी ने जनता से किया था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज़्यादा नए अवसर का सृजन, और इसके लिए अधिकृत किया गया किसको, सरकारी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग को और गैर सरकारी क्षेत्र में श्रम संसाधन विभाग को। तो आप समझ सकते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रही हूँ उनके झूठ को प्रमाणित करने के लिए। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? अरे मतलब क्या, आप देखिए ना, आपको के सामने मैं दिखा रहा, आप कहेंगे कि हाँ वो झूठ बोल रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रही हूँ कि कितना बड़ा वो झूठ बोल रहे हैं। जो तो कर रहे हैं कि अब जो है हम सरकार में आएंगे तो बिजली फ्री देंगे, 500 में गैस सिलेंडर, एनडीए में आप लोग हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो गया। बिहार की जनता इतनी ना समझ नहीं है, या बिहार की जनता को वो समझ रहे हैं कि हम बेवकूफ़ बना लेंगे। चावल का जो बोरा का चावल होता है ना, उसको बार बार नहीं देख करके आजमाया जाता है। 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने लालू राबड़ी जी को शासन करने का मौका दिया, क्या मिला बिहार की जनता को, कानून व्यवस्था क्या था वो पता है कि रात में अगर आप स्टेशन पे उतरे तो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते थे, बाहर आप नहीं जा सकते थे, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर क्या था, शाम होते के साथ लाठी डंडा पैना और बंदूक की नाले सड़कों पे हुआ करती थी। तो बिहार की जनता इस चीज़ को देख रही है, और नौकरी देने की बात करते हैं, नौकरी के बदले में जमीन न हड़पे हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ तक ना, अरबों की संपत्ति ना, तेजस्वी यादव जी की जितनी उम्र नहीं है, फंसाया जा रहा है, उम्र नहीं है, उससे ज्यादा उनके पास कंपनी है, उससे ज्यादा कंपनी है, फंसाया जाता है। जमीनवा का कागज जो है, जितना रजिस्ट्री वाला कागज, वो क्या है, किसको बेवकूफ ये बना रहे हैं। अब जो है ना, 21वीं सदी का ये भारत है, 21वीं सदी का आज हमारा युवा है, एक एक चीज़ों को वो समझ रहा है, एक एक चीज़ों को देख रहा है। क्यों, हमारे नेता नीतीश कुमार जैसा बड़ी चुनौती भाजपा के लिए तो कोई नहीं था। कभी आपने देखा कि एक अन्य मार्ग पे ईडी और सीबीआई का कोई व्यक्ति गया हुआ हो? अरे जब आपके अपने ही राजनीति के जो कुकर्म हैं वो आकंठ तक, यहाँ तक आप डूबे हुए हैं, तो और कहिएगा कि फंसाया जा रहा है, इस तरह की नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं ना। बिहार की जनता एक एक चीज़ों से अवेयर है, अवगत है और समझ रही है। और देखिएगा 2024 में, जिस तरह से ये 2019 में भी बिहार की जनता ने उन्हें जीरो पे आउट किया था,
जीरो पे वो आउट हुए थे, इस बार भी वो जीरो पे आउट होंगे। चलिए, बिहार की जनता ने 2019 में जीरो पर आउट किया था, इस बार भी जो है वो जीरो पर आउट होंगे। इन्होंने कहा कि वो रोजगार की बात करते हैं, असल में रोजगार जो है वो नीतीश कुमार दिए थे, एनडीए की सरकार में जो है वो रोजगार दिया गया था, तमाम बातों की प्रतिक्रिया अपनी दे रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कॉमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सर स्टॉक्स, मेरा नाम ऋषि।